नमस्कार दोस्तों, रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में या प्रेगनेंसी के पहले महीने में कौन सी 7 चीज़ों का सेवन करें जिससे उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ रहे, इसके साथ ही आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास अच्छे तरीके से हो और वह गोरा हो और उसका दिमागी विकास काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो, और प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती समय में वो कौन सी 7 चीज़ें खाएँ जो वीडियो में बताई गई है। अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करती है तो इससे आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में शरीर में पोषण की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं या प्रेगनेंसी के पहले महीने में हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि चैनल पर जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो 7 चीज़ कौन सी जिनका सेवन करना प्रेगनेंसी के पहले महीने में बेहद जरूरी होता है। तो वीडियो को शुरू करेंगे और आपको बताएंगे पहली चीज। तो पहली चीज है विटामिन सी युक्त आहार। आपको सबसे पहले बता दूं विटामिन सी युक्त आहार में आता है साबुत अनाज, सूखे मेवे, केला, नट्स, इन सारी चीज़ों में विटामिन B6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आपको मैं बता दूं अगर आप गर्भवती होती है तो गर्भधारण के तुरंत बाद ही आप इन सारी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दें, यह आपके गर्भस्थ शिशु को और आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। दूसरी चीज़ है दूध और दूध से बने उत्पाद। आपको मैं बता दूं प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में अगर आप कैल्शियम की कमी नहीं होने देते हैं तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु का हड्डी, दांत, मसूड़ा, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि दूध या इससे बने उत्पाद जैसे पनीर, मक्खन, घी, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है जो आपके हड्डियों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ फॉलेट। आपको मैं बता दूं फॉलेट प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है, क्योंकि फॉलेट की कमी अगर आपके शरीर में होगी तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक विकास कमज़ोर होगा। तो आपको मैं बता दूं आप फॉलेट की कमी को पूरा करने के लिए ऑरेंज, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकती है, इससे आपके शरीर में फॉलेट की कमी नहीं होगी। आपको मैं बता दूं फॉलेट की कमी अगर आपके शरीर में होगी तो इसकी वजह से आपका शिशु दिमाग से काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और उसका मानसिक विकास भी रुक जाएगा, तो आप फॉलेट की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। चौथी चीज़ है फाइबर। आपको मैं बता दूं प्रेगनेंसी के लिए फाइबर का सेवन करना बेहद ज़रूरी होता है, खासकर प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में आपको कब्ज, एसिडिटी और पेट से जुड़ी कई सारी समस्याएं आती है। तो अगर आप फाइबर युक्त आहार का सेवन करती है जैसे फल में अनार, सेब, संतरा, इन सारी चीज़ों का सेवन करती है तो इन सारी चीज़ों में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कब्ज, एसिडिटी और पेट से जुड़ी समस्याओं को नहीं होने देता है, तो आप फाइबर युक्त आहार का सेवन जरूर करें। पांचवी चीज आयरन। आपको वैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे चुकंदर। चुकंदर आयरन का काफ़ी अच्छा स्रोत माना गया है। अगर आप अपने भोजन में चुकंदर को शामिल करती है तो चुकंदर के सेवन करने से आपके शरीर में आयरन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है और इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु का जो विकास होता है, शारीरिक विकास, वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है और आपको शारीरिक कमजोरी नहीं आती है अगर आप चुकंदर का सेवन करती है तो। छठी चीज़ है मांस। आपको मैं बता दूं अगर आप मांसाहारी है तो आप मांस में मीट, मछली का सेवन कर सकती है। आपको मैं बता दूं समुद्री मछली में भी आप वैसे मछलियों का सेवन ना करें जिसमें मर्क्यूरी की मात्रा अधिक हो, लेकिन आप मछली का सेवन कर सकती है, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर आप शाकाहारी है तो आप दाल का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि दाल में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। दाल में उतना प्रोटीन होता है जितना एक मीट या मछली में प्रोटीन पाया जाता है, तो आप दाल का सेवन करें अगर आप शाकाहारी है तो, यह भी बेहद जरूरी रहेगा। आपको मैं बता दूं सातवीं चीज़ कार्बोहाइड्रेट। आपको मैं बता दूं प्रेगनेंसी के दौरान कार्बोहाइड्रेट भी हर गर्भवती महिला के लिए एक जरूरी पोषक तत्वों में से एक माना गया है। आपको मैं बता दूं आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन जरूर करें, इससे आपका शरीर बिल्कुल हाइड्रेटेड रहेगा। इसके अलावा आपके शरीर में फैट की कमी पूरी होगी और आपका शरीर जल्दी मोटा भी नहीं होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का भी सेवन आप कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट के सेवन करने के लिए आप आलू का सेवन कर सकती है, इसमें
भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखें, आप ज़्यादा आलू ना खाएं या आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो यही सब थी वो 7 चीज़ें जो आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने में ज़रूर सेवन करना चाहिए। इससे आप और आपका गर्भस्थ शिशु बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। तो अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं।